हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 5:30 बज गए हैं और मुझे जाना है मार्केट में, थोड़ा कुछ काम है और थ्रेडिंग भी करा के आनी है क्योंकि मुझे बाहर जाना है 3-4 दिन के लिए। तो कल से जो है हमारी ये ट्रिप शुरू हो जाएगी। तो तैयारी तो कई दिन से चल रही है लेकिन बहुत सारे काम जो है अटके पड़े हैं, पेंडिंग में चल रहे, तो धीरे धीरे ही होते होंगे। और हमारी टिकट जो है एक बार तो कैंसिल होगी क्योंकि 13 तारीख की थी, फिर हमने डेट जो है आगे बढ़ा दी। अभी हमें जाना है कल, तो तत्काल में करानी पड़ी एकदम से क्योंकि बार बार जो है हम किसी चीज़ का टाइम नहीं रख सकते। अभी बच्चे कटिंग करा के आ चुके हैं तो माँ से पूछ, माँ कुछ सामान आना, रसोई का दाल दपाल कुछ नहीं, तो मखानों का पैकेट ले आऊँगी। क्या खाना है? थोड़े मखाने ले आऊँगी, तो मखाने का पैकेट लिया हमने एक है। गुड्डू और प्रीति अपने कपड़े सिलने के लिए देकर आए हैं ये दोनों भी। तो गुड्डू को चाहिए पटियाला सूट, है ना, ये अपनी पसंद का पटियाला सूट बनवा रही। और आजकल गुड्डू भी इंस्टाग्राम पर रील बना रही गगन भाई के साथ में। अपने इंस्टाग्राम आईडी तो बता दे अपनी, कौन सी है? ऑफिशियल गगन प्रज्ञा, सब जाके फॉलो कर लो। ये आईडी है इनकी, न्यू आईडी है। पिताजी मीठा होगा खरबूजा तो? यहाँ खरबूजा तो मीठा बेटी। चाचा जी आप भी खा लो। तो फिलहाल हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं और सबसे पहले गुड्डू के पापा लेंगे अपने लिए एक ट्राउज़र क्योंकि पैंट जो है उनकी काफ़ी पुरानी होगी वे, तो बढ़िया भी नहीं लगती और कलर कुछ डिफरेंट। तो देखते हैं जी इन्हें आज क्या पसंद आता है। बस इनके लिए एक पैंट ही लेनी, ज़्यादा कुछ नहीं लेना। कलर बढ़िया लग रहा है इस पैंट का, बहुत दिन में अपने आप देखते नहीं। ये बिजी होंगे? नहीं ऐसा हो गया आज ही मैं यहाँ रुक रहा, नहीं तो निकल जाऊँ ज्यादा। अच्छा, लेट जाता हूँ ना। कपड़ा बढ़िया है इसका, अलग चीज है मतलब थोड़ी सी अटके इसका। देखो इनसे भी सॉफ्ट है ना कपड़ा, इसमें ब्लैक भी है, इसी की है ब्लैक नहीं, ये ठीक है। एक और था, एक है इसी का, ये वाला ये भी ठीक है। ये अभी इन्होंने टी शर्ट तो कई सारी देख ली लेकिन ये वाले कलर भी इनके पास कई सारे हैं टी शर्ट में। और ये प्रिंट वाली अच्छी लग रही है मुझे, पर ये कलर हमने ये वाला पसंद कर लिया। चलो जी देखते हैं हम कौन सी पसंद आएगी इन्हें। और भी डब्बे आ रहे हैं, भैया को बोला कि और दिखा दो अच्छी सी जो इनकी समझ में आ जा, पहनने में भी कम्फर्टेबल होनी चाहिए गर्मी के मौसम में। तो अभी मैं आई थी इन भैया की दुकान पे कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान लेना था, तो काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ। आज आवाज़ मेरी थोड़ी सी कम हो रही ना अभी, तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं बीमार की वजह से, तो ये कुछ सामान ले लिया मैंने जो ज़रूरत का था। चलो दे दो ये वाला, कर दो इसका बता दो आप। और ले लिए कड़े सिंपल से ही लिए मैंने, ज़्यादा फैंसी वाले तो रखे डेली यूज में, ये जल्दी गंदे हो जाना घर का काम करने में। इस मोहल्ले में को इस रोड पे को बहुत दिनों में आई मैं, तो देखो रोड एकदम ब्लैक ब्लैक बनकर तैयार हो गई बढ़िया, नहीं तो बहुत गड्ढे थे। और बाइक पे भी जिस तरह पहाड़ों पर चढ़ गया ना, ऊंचे नीचे होकर बैठना पड़ा था, मैं तो कई बार तो गिरने का भी डर लग हो जाता मुझे। अब बढ़िया चल रही बाइक, बहुत बढ़िया लगा। घर हम लोग पहुंच गए और ये देखो घर आते ही कितनी जल्दी आया। अरे कतेरी कटिंग फौजी, ए फौजी, ये दूसरा भी आ गया भाई, दूसरा भी आ गया। अभी तो गई थी मैं, एक सुई लानी थी सिलाई की, वो अभी भूल गए फिर भी। चलो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी। तो अभी रात के 10 बजे सब लोग सो गए और ये भैया बाल वाल रहे, क्यों? क्योंकि आज है मदर्स डे, यानी सब मम्मियों का दिन है। मम्मियों का दिन तो वैसे डेली होता है लेकिन आज स्पेशल है, तो मैंने मम्मी को बताया नहीं था, सारी प्लानिंग मेरी की गई है। मैंने मंगाया है मम्मी के लिए केक, मम्मी को कुछ नहीं बताया था हमने। अभी 10 बजे है, हमने 8:30 बजे मंगाया, मैंने भैया को अभी भेजा था 8:30 बजे, मैंने कहा जाओ केक ले आओ पहले, वरना आज आपको चाय नहीं बना के देने की क्योंकि भैया डेली मैं रात की चाय पिया जब शाम को वीडियो एडिट करने आवे। अभी यहाँ पर केक रख दिया हमने, देखो अभी सब सो गए, आरुष आरुषि नंदिनी, मैं जाग रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली है और कल मेरा एग्ज़ाम भी है तो मुझे थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी थी।
और सभी सो गए लगभग। अभी माँ को उठाया, माँ ने कपड़े वपड़े सही करे अपने, मतलब माँ भी सो गई थी इस कमरे में, अंधेरा हो गया, लाइट बंद करके सो गए। तो अभी मम्मी गुस्सा हो गई थी किसी बात पे, तो मैंने कहा मम्मी काम डाउन, अभी गुस्सा मत हो, पहले केक काटते हैं चलो। तो केक मंगाया तुमने, देखो यहाँ सो गए थे सब लोग। और मैंने अभी मम्मी को बुलाया नीचे, क्योंकि मम्मी ऊपर काम कर रही थी। मम्मी उड़ाइयो नीचे आ जाओ मैं क्या है नीचे है, काम तो कर लेंदा कुछ कहने लगी, उड़ाओ पापा बुला रहे, वरना सोचा मैं भाई बेटी क्या लड़ाई होगी आजकल, मुद्दा ही चल रहा लड़ाई झगड़े का ही दोनों का, वहां कुछ पता नहीं लगता। फिर कह रही आ तो जाओ एक बार, आ तो जाओ जरूरी बुला रहे, मैं कभी खाना खाते हो तो देखो कितना ब्यूटीफुल मंगवाया हमने। कान्हा जी को भी बिठाओ, सो गए हुए तो, पर कान्हा जी तो सो गए। मैंने पापा जी को कहा था भैया को बोल दियो आपने केक मंगवा दिया, अभी पापा बाहर थे तो मैंने केक का तो मुझे भी नहीं पता था कौन लाया है, लड़का सरप्राइज है। अच्छा हैप्पी मदर्स डे, और ये सारी प्लानिंग मैंने की है। गुड्डू हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे उस वाली मम्मी को भी और इस वाली माँ को भी हैप्पी मदर्स डे। तो ये देखो कितना अच्छा केक भैया लाए, यो जंगल लाया से हाँ, तो दो तीन और करा, ये कितने का, ये कितने का, कोई लिंगा खड़ा कोई लिंगा खड़ा मैं लिंगा खड़ा, मगर वाला के निकाल लो जी। आपने सीधा नहीं कह दिया है, वो लोग रेट पूछते रहे भैया लेके भी आ गए। तो ये देखो तो कैसा लगा आपको सरप्राइज, अच्छा लगा लेकिन तुमने लेट कर दिया, छोटे बच्चे सो गए। ये देखो अभी 10 बज रहे हैं, सो गए, कोई नहीं उन्हें सुबह ही कह देंगे पापा भी तो आ गए हैं मदर्स डे पे सेलिब्रेट करने, तो पापा आ ही नहीं रहे थे बाहर जा रहे थे। जो है आज मदर्स डे की जगह मदर नाइट मन रही है क्योंकि 10 बज गए। तो हमारी मुनेश मम्मी को, रामवती मम्मी को, सुशीला मम्मी को, सारी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। तो माँ बाप जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति, और मुझे भी सरप्राइज दिया इन्होंने माँ के साथ में कि मदर्स डे के जगह पापा को भी जगा दिया, वैसे मुझे हल्का सा रहा था, लेकिन इन्होंने जो है केक मंगवा लिया और केक कटिंग करते हैं। भाई देखो स्पेशल डे तो रोज होता है माता जी के लिए, पिताजी के लिए। दुनिया में सबसे खुशनसीब इंसान मानते हैं अपने माँ बाप को, क्योंकि बच्चे हम और हमारे पेरेंट्स सब साथ में रहते हैं तीन पीढ़ी, और अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं और ठीक ठाक ही हो रहा है भगवान की कृपा से। तो मदर्स डे पे स्पेशल जो है ये माँ के लिए केक आया है, माँ के लिए खा लेगी, हम भी खा लेंगे, हम तीन माँ ही हैं यहाँ। तो तीन माएँ हैं, कुछ हमारे बच्चों की है और कुछ हमारी। तो भाई चलो इस केक को काट लो, और बहुत खुशी की बात है हम अपने माँ बाप के पास रहते हैं, और ये सौभाग्य हमें ऊपर वाले ने दिया। तो जी सब अपने माँ बाप के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चम्मच लेके आओ, सुशीला बबली माँ, प्रीति माँ, प्यारी माँ, हैप्पी मदर्स डे टू यू। जाकत जाकत नहीं जाकत मिलती घर के टुकड़े जाकत। एक जाकत वो सो रहा पापा जी पीछे, वो सो रहा एक जाकत सो गया, वो तो जाकत नहीं है, वो दिन चिप तो ही खाट ढूंढनी शुरू कर दे, वो कहता है माँ की साड़ी पकड़ ले आशीर्वाद दो, भगवान तेरी लंबी उम्र करे, दूध नावे पुत्तो भले, जल्दी तेरा ब्याह हुए और हम बारात में जावे, ब्याह में दुमक दुमक करेंगे। हमारी ख्वाहिश है हमारी माँ अपने पुत्ते की बारात में जरूर जावे। हाँ गगन की भी सबसे पहले तो अमित का ही नंबर लगा, गगन का पहले लगाओगे नीचे तो सीढ़ी के डंडे पे चलेगी। ठीक है सच्ची असली के नकली के हैं, राजू के नाम का भी छोड़ दियो मां ना डर के। मम्मी मैं सबको थोड़ा सा स्कूल में लेके जाऊंगी। क्या आवाज आ रही, देखो कोई बात नहीं, ऐसे ही बोल दो माँ को हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे माँ, थैंक यू कह दो माँ, थैंक यू तेरे को, अभी तेरे ही है, और क्या इंग्लिश सीख रही माँ इंग्लिश।